फाइनली नेटफ्लिक्स ने अपनी अपकमिंग पीरियड ड्रामा फिल्म जोगी का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसे डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने। फिल्म का प्लॉट साल 1984 में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान सेट किया गया है, जिसमें तीन दोस्तों की कहानी बताई गई है कि कैसे वो अपनी जान की परवाह किए बिना जाबाजी से सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म के लीड रोल में हैं दिलजीत दोसांझ, मोहम्मद ईशान आयुब, कुबद मिश्रा, अमायरा दस्तूर और हितेन तेजवानी। ट्रेलर को देखकर साफ पता चल रहा है कि फिल्म में इंटेंसिटी और टेंशन का माहौल पूरी तरह से आपको होल्ड करके रखेगा। जोगी के किरदार में दिलजीत ने जिस तरह से अपने आप को निखारा है, उसे देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि ये पहली ऐसी फिल्म है जिसमें दिलजीत ने अपनी पगड़ी हटाई है ताकि रोल में और जान दिख सके। वहीं बात करें अगर बाकी एक्टर्स की, तो पूरी तरह से साफ दिख रहा है कि ये फिल्म किसी नॉर्मल फिल्म की तरह तो नहीं होने वाली, जिसमें कहीं खुशी है तो कहीं गम, क्योंकि जिशान आयुब, अमायरा दस्तूर और कुमित मिश्रा सभी को एक इंटेंस कैरेक्टर के रूप में उभारा गया है, जो वाकई एक काबिले तारीफ बात है। सोशल मीडिया साइट्स पर भी नेटिजन्स द्वारा ट्रेलर को काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा, जिस पर एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि दिलजीत पाजी, इस बात में कोई डाउट नहीं कि आप इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन कलाकार हो, और उनसे रिक्वेस्ट की कि अपने आगे आने वाले कुछ शोज वो इंडिया में भी करें। तो वहीं एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ हमारी शान दिलजीत पाजी के लिए ले रहा हूं, ताकि उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म देख पाऊं, और गॉड ब्लेस यू लिखते हुए अपना ट्वीट शेयर किया। ट्रेलर के रिस्पांस को देखकर साफ मालूम चल रहा है कि ऑडियंस इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ये फिल्म प्रीमियर होने जा रही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जिसे आप देख सकेंगे 16 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर। आपकी क्या राय है जोगी के ट्रेलर को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमसे जरूर शेयर करें, और अन्य फिल्मी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल MTTV एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।